चौथे चरण के लिए दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में बागमारा पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बागमारा में पार्टी के प्रत्याशी डुल्लू महतो के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे अमित शाह और आज बताएं कि ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं। राजनाथ सिंह की बात करें, स्मृति ईरानी या फिर अमित शाह। माला पहनाकर उनका स्वागत किया है और समय की कमी है, शायद इसी वजह से अमित शाह थोड़ी हड़बड़ी में नजर आ रहे हैं क्योंकि 5 बजे तक ही प्रचार का वक्त है। मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी डुल्लू महतो जी, आगे हमारे संयोजक शत्रुघ्न महतो जी, गोरचंद बाबू जी, श्रीमती सावित्री देवी, श्री बच्चू राय जी आज यहाँ उपस्थित, झारखंड सरकार के मंत्री चंद्रवंशी जी, भाजपा की वरिष्ठ नेता रेणु देवी जी और आज कोयला चलन की राजधानी धनबाद के अंदर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी के नाम से जिसका नाम रखा गया कोयला चंद की राजधानी धनबाद जिले में आकर मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं, अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं। यही भूमि है जिसने काले हीरे से देश भर की ऊर्जा को आगे ले जाने का काम किया है, देश के विकास को आगे ले जाने का काम। यही भूमि के अंदर से निकला हुआ कोयला देश का विकास सुनिश्चित करता है और आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो, आपका एक वोट डुल्लू महतो को जिताकर झारखंड के विकास के अंदर साथ। मित्रों, झारखंड का चुनाव दो व्यक्ति या दो पार्टियों के बीच में चुनाव नहीं है, दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव। एक विचारधारा है कांग्रेस पार्टी राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिसके अंदर भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टिकरण बढ़ा है, और दूसरी विचारधारा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, जो राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर काम करती है। मित्रों, मैं आप सभी को कहने आया हूं, आज हेमंत सोरेन जी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बनने निकले हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जब झारखंड के युवा आंदोलन कर रहे थे, डंडे खा रहे थे, गोली खा रहे थे, किसकी सरकार थी भला? राजद की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिसने झारखंड को बनने से रोका, और जब केंद्र के अंदर कमल फूल की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने झारखंड को बनाने का काम
अटल बिहारी वाजपेयी ने करा कर दिया। और वो झारखंड के अंदर जिसको अटल जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी इसको संवारने का काम करेंगे। मित्रों, 5 साल के अंदर ये झारखंड को लूटने वाले, बर्बाद करने वाले नक्सलवाद को जमीन के अंदर दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल के अंदर ढेर सारे विकास के काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की मिलीभगत से कोयला की खदानों के अंदर आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ, लाखों करोड़ों रुपया इस राज्य की गरीब जनता का कांग्रेसी चाऊ कर गए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने पहली बार पारदर्शी नीलामी की, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में अब तक 30,000 करोड़ रुपया जहां कोयले की खदान है वहां के विकास के लिए देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं कि बागमारा धनबाद क्षेत्र के अंदर ढेर सारे विकास के काम नरेंद्र मोदी जी और रघुवर दास के नेतृत्व में हुए। धनबाद जिले में सिंदरी में 7,000 करोड़ की लागत से उर्वरक का कारखाना लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसमें धनबाद के 4,000 लोगों को रोजगारी मिलने की शुरुआत हुई। कांगड़ा क्षेत्र के अंदर देश की सबसे बड़ी पावर ग्रिड डालने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम पर कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी कोयलांचल के युवाओं के लिए मां सरस्वती का धाम बनने वाली है, वो यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम किया। हजारीबाग, पलामू और दुमका के अंदर मेडिकल कॉलेज और बाबा की नगरी देवघर में एम्स बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। धनबाद कटरा और चंद्रपुरा की रेलवे लाइन फिर से चालू कराई। धनबाद रेलवे स्टेशन से बैंक मोड़ तक फ्लाईओवर की स्वीकृति दे दी गई है। धनबाद से गोविंदपुर गिरिडीह तक सड़क का निर्माण चालू है। बागमारा क्षेत्र में पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए धर्मबाद बांध से कतरास तक पानी की आपूर्ति की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बागमारा क्षेत्र में मेगा पानी की आपूर्ति का एक मेगा स्कीम डाला गया। 92 करोड़ की लागत से लगभग 13 पंचायत में 1.5 लाख लोगों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया गया। सिर्फ एक क्षेत्र के अंदर 26,212 शौचालय बनाए गए। गरीब आदिवासियों को, पिछड़ा समाज के लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 79,921 लगभग 80,000 आयुष्मान भारत के कार्ड देने का काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत धनबाद जिले में 2,05,273 माताओं को गैस का चूल्हा और सिलेंडर देकर धुएं से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 1,04,000 किसानों को कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 25,000 रुपया तक हर साल मिलने की व्यवस्था ये भाजपा की सरकार ने की। 6,000 आवास बनाए, 511 सखी मंडलों के माध्यम से
6431 बहनों को रोजगारी देने का काम किया। और मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, हम झारखंड के पिछड़े समाज के युवाओं को आदिवासी और दलित का रिजर्वेशन कम करे बगैर आरक्षण बढ़ाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, दुकानदारों के लिए बीमा, किसानों के लिए बीमा, महिलाओं को 33% आरक्षण, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी लेकर आने वाली है। मित्रों, मेरे पास आज समय कम, मगर मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात करना चाहता हूं। अरे ध्यान से सुनो भाई, अभी ये राहुल बाबा झारखंड में प्रचार करने के लिए आए थे। वो कहते थे झारखंड और कश्मीर का कोई लेन देन नहीं है, कश्मीर की बात झारखंड में क्यों करते हो? मैं आपको पूछना चाहता हूं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे, आप सब चाहते हो या नहीं चाहते हो? सुनाई नहीं पड़ता, जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? साहब, आपने 14 में से 12 सीटें मोदी जी को दे दी, फिर से प्रधानमंत्री बनाया, देश ने 305 सीटें दे दी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, पहले ही सत्र के अंदर धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्राण से प्यारे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत माता का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। और आज कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा फहरा रहा है। मुझे बताओ, धनबाद वाले बताएं, आप चाहते हैं या नहीं चाहते कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहे? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी कहती है धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। कांग्रेस वालों का वोट मांगने आए तो उनका हिसाब मांगोगे क्या? जोर से बोलो, मांगोगे क्या? ये लाखों लोग खड़े, मैं पूछना चाहता हूं, आप बताओ भैया, यहां पर जितने माताएं बहने भाइयों युवाओं खड़े हैं, आप चाहते हो या नहीं देश सुरक्षित रहे? पहले जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं है? ये हेमंत सोरेन कहते हैं देश की सुरक्षा का झारखंड के चुनाव से क्या लेन देन? अरे हेमंत सोरेन, आपको मालूम नहीं है, एक भगवान बिरसा मुंडा की भूमि है, फिर तूफानों की भूमि है, चांद पैरों की भूमि है, फूलों जानों की भूमि है। आज भी मेरे झारखंड का युवा सेना और सीआरपीएफ में देश के लिए अपनी जान की बलिदान देता है। मित्रों, आप चाहते हो या नहीं कि देश सुरक्षित रहे, बोलो। ये कांग्रेस की जब सरकार थी, 10 साल चली, 10 साल मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार थी, मोनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और उनके प्रधानमंत्री रहते हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और अपने जवानों का सर काट कर ले जाते थे, मगर मोनी बाबा के मुंह से ऊफ नहीं निकलती थी, ऊफ नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपने 14 में बना दी, मगर पाकिस्तान को आदत पड़ी थी, उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, मगर वो भूल गए कि अब मोनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल की सरकार। 10 ही दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने
अपनी थल सेना और वायु सेना को हुक्म किया, थल सेना और वायु सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा कर देना। और मित्रों, ये राहुल बाबा इसका विरोध करते। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, एक जवान मारा जाता है उसके पीछे इसकी परिवार की क्या हालत होती है, इसकी पत्नी विधवा होती है, इसके आंसुओं को आपने नहीं देखा, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, इनके दर्द को आप नहीं पहचानते। मोदी जी ने इस शहीद जवानों का बदला लेकर बहुत बड़ा काम किया। मित्रों, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अयोध्या में भगवान राम का बड़ा मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। इतने सालों से केस चलता था, कांग्रेस पार्टी लटका कर चलती थी। एक कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल कहते थे, अभी केस मत चलाओ, क्या जल्दी है, बाद में चलाना। क्यों भैया कपिल, तेरे पेट में क्या दुखता है बताओ। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, मोदी जी की सरकार बनी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 3 ही महीने के अंदर आसमान को छूने वाला राम भगवान का मंदिर श्री राम जन्मभूमि स्थान पर बना। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में देश की सुरक्षा को बर्बाद किया, वोट बैंक की लालच में श्री राम का मंदिर बनने से रोका। एक कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में कश्मीर को आतंकवाद के हवाले कर दिया। इसका हिसाब किताब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेडी और कांग्रेस के हराओगे क्या? कमर के निशान पर बटन दबाओगे क्या? हमारे टुल्लू महतो को छिटाओगे क्या? रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तुम मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाइए, अंत तक दूर दूर तक उठाइए, मुट्ठी बीजिए, विजय का संकल्प लीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज समय की मर्यादा है, हेलीकॉप्टर का टाइम हो चुका है, टुल्लू महतो को जिता दो, विजय के बाद उसके सम्मान में मैं जरूर आऊंगा, फिर से बात करेंगे। वंदे, मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।